देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं दीपक लजा का आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। कंट्रोल संचालक की मनमानी से परेशान है ब्रिज ग्राम के ग्रामीण। ग्राम पंचायत झागर में जो उचित मूल्य की दुकान है उसे करीब 20 से 25 ग्राम राशन लेते हैं, लेकिन दुकान को कभी भी समय पर नहीं खोला जाता और लोगों की भारी भीड़ लग जाती है, लेकिन कंट्रोल संचालक कभी भी टाइम पर कंट्रोल नहीं खोलता। वहीं दूर दूर से आने वाले ग्रामीण परेशान होते हैं, लेकिन इसका कंट्रोल संचालक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ग्रामीणों की कोई सुनवाई भी नहीं होती। कंट्रोल संचालक अपनी मर्जी के साथ राशन वितरित करता है। कभी तो ये आलम रहता है कि लोगों को राशन मिल ही नहीं पाता और उन्हें अपने ग्राम खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि राशन की दुकान को कभी समय के अनुसार नहीं खोला जाता। अगर कोई गरीब ग्रामीण कंट्रोल संचालक से राशन के बारे में पूछता है तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट तक की जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र में केवल एक ही कंट्रोल की दुकान है। कंट्रोल संचालक से ज्यादा कुछ पूछताछ भी ग्रामीण नहीं कर पाते। सूत्र बताते हैं कि जो राशन कंट्रोल संचालक के पास आता है उसमें से सिर्फ आधा ही ग्रामीणों को मिल पाता है, वह भी दिन भर कंट्रोल के बाहर खड़े रहने के बाद, और जो आधे से ज्यादा राशन को उसे ब्लैक कर दिया जाता है। कहाँ से आए हो आप? चक से। कौन से चक से? जो रियाने चक। रियाने चक से आयो। तो जी कंट्रोल नहीं खुली है क्या? यहाँ ऐसे ही खुलती है कंट्रोल? कौन मालूम ऐसे खुलती कैसे? तो अभी कितना बज रहा है? पौने दो बज रहे हैं। सुबह से बैठे हो? कब के बैठे हो आप लोग? सुबह से बैठे हो का? सुबह से बैठे हो? सुबह कितने बजे आ गए थे? करीब 10 बजे। 10 बजे आ गए थे, अभी तक नहीं खुली है। कहाँ से आए आप लोग? कनेरा से आए। तो यहाँ सुबह कब के बैठे हुए आप लोग? अभी 2 घंटे हो गए हमारे को। तो कंट्रोल ऐसे ही खोली जाती है? ऐसे हर फेरी ऐसी हर महीने खुलती है। हर फेरी मतलब? फेरी का मतलब क्या होता है? मतलब हर गाड़ी हर महीने। अच्छा, हर महीने ऐसे होता है। तो आप लोगों को बहुत कितनी दूर पड़ता है आपका गाँव? रोटी बना के खा के आते हैं, कोई बना के खा के चले आते हैं, कोई कैसे आते हैं, कोई कैसे आते हैं, हर चक्कर कहाँ तक किराया देंगे डग्गा वाले का? ला देते हैं, नहीं तो भाई चले जाते हैं। चले जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अब वो तो क्या जाने, अपन क्या जाने, ऊपर से वहाँ से आता है जब ही देता है। तो कितने कितने बजे तक आते हैं करीब? कोई 1 बजे, 1.5 बजे ऐसे ही आते हैं। ऐसे ही आते हैं। झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। कांग्रेस का बंद और बाजार खुला। कांग्रेस द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। गुना में भी कांग्रेसियों द्वारा बंद की अपील की गई थी, लेकिन उनकी अपील किसी ने भी नहीं सुनी। आज सुबह से ही कांग्रेसी शास्त्री पार्क पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, जहां से रैली के रूप में बाजार बंद कराने पहुंचे। इधर दुकानें बंद कराते और आगे जाते ही वैसे ही दुकानदार अपनी दुकान खोल लेते। कुछ दुकानदारों से बहस भी हुई। दुकानदारों का कहना था कि उन्हें बंद में शामिल नहीं होना, और कांग्रेसियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। कुल मिलाकर गुना बंद सिर्फ कांग्रेसियों का बंद रह गया। कांग्रेसियों द्वारा एक रैली भी निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। वहीं देखने में आया कि मुट्ठी भर कांग्रेसी कार्यकर्ता ही बंद में शामिल हुए। उन्हें भी कार्यक्रम खत्म करने की इतनी जल्दी थी कि वो भी 2 बजे से पहले ही ज्ञापन देने आ गए। कटी हुई मुझसे, मैंने जो फूल में निशान लगा दिया, अब मैं सिंधिया जी को जिताऊंगी और फिर बढ़िया बढ़िया रोटी बना के तुम सबको खिलाऊंगी। सिंधिया जी जिता तुम तो सरकारी नौकरी लगवा कहीं का ठिकाना है क्या? कहती हुई मैंने घूम में डाल के जो वोट डाला तो कहती क्या पकड़ी फूल को दबो अब तो वो फूल
राजनीतिक पार्टी द्वारा चलाई जा रही है, उनको कोई समर्थन नहीं देता। भारत बंद का आयोजन चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस, किसी को कोई समर्थन नहीं मिलता। हमारी दुकान हमेशा खुलती है, केवल राष्ट्रीय मुद्दे जो है या राष्ट्रीय अस्मिता पर बात आती है उस दिन हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, पिछले चार वर्षों से देश की जनता अपने आप को लगा खुलासा महसूस कर रही है। पहले नोटबंदी की मार, अब निरंतर चौहान के राज में पेट्रोल और डीजल जिस समय 58 रुपए था, उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल पे चला करते थे और प्रधानमंत्री मोदी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अनर्गल बातें करके जनता को बहकाने का प्रयास करते थे। आज जब डीजल 76 रुपए हो चुका है और पेट्रोल 86 रुपए के ऊपर कूद रहा है और डीजल गैस की टंकी 850 रुपए से बढ़कर के 885 तक अब पहुंच चुकी है, जो कि किसी टाइम पे 450 हुआ करती थी, उस पर मोदी जी और शिवराज सिंह जी हाय हाय मचाया करते थे। आज जनता ये पूछना चाहती है कि हजारों करोड़ रुपए की कमाई टैक्स के तौर पर इन तीनों पदार्थों से करने के बाद क्या मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का पेट इस चीज़ से नहीं भरा कि वो सभाओं से लेकर के विदेश यात्राओं के नाम पर इस जनता से एकत्र पैसे की बर्बादी इस प्रकार से करें? जनता इस समय करा रही है और आज स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी बीते 3 वर्षों में लगभग 6 बार इस प्रकार के आंदोलन कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींद नहीं टूटी। आज इस बंद के माध्यम से जो जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति की है वो तो अभी आरंभ मात्र है। यदि भारतीय जनता पार्टी के ये दो नेता और इनकी पूरी पार्टी और इनकी सरकार अभी भी नहीं जागी तो उन्हें इससे भी अधिक तीखे आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। और हम सब आपके माध्यम से आज गुना शहर की जनता को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि 4 दिन के बाद जिस प्रकार से उन्होंने अभूतपूर्व बंद रख के हम लोगों को जिस प्रकार से संबल प्रदान किया, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई, उसके लिए हमारे पास शब्द बहुत छोटे हैं और हमारी भावनाएँ बहुत बड़ी हैं। निश्चित तौर पे जनता की भावनाएं अब मोदी जी और शिवराज सिंह जी समझेंगे और यदि नहीं समझेंगे तो कोलारस और मंगावली की भांति उन्हें ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी वो परिणाम भोगने पड़ेंगे जिसकी कल्पना उन्होंने कभी भी नहीं की थी। आर्य समाज स्कूल सामने एक स्थित मिठाई की दुकान पर रखी भट्टी ने आग पकड़ ली। यह आग इतनी विकराल थी कि दूर से ही देखी जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि इस पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि आर्य समाज स्कूल के सामने मामा हलवाई की दुकान है जिसके यहाँ बाहर भट्टी ने आग पकड़ ली। यह आग कैसे लगी ये ज्ञात नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि सिलेंडर में आग लगी और कुछ लोग और कुछ बताते हैं फायर ब्रिगेड से आने से पहले ही जागरूक लोगों ने इस आग पर काबू पा लिया जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही थी कि इस होटल में जो सिलेंडर उपयोग में लाए जा रहे थे वो भी कमर्शियल यूज वाले नीले रंग के सिलेंडर ना होकर लाल रंग के थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक गैस कंपनी ने इस होटल पर 4 सिलेंडर बरामद भी किए और जिन्हें जब्त कर लिया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि गैस विभाग द्वारा नहीं की गई। Thank you.
इंडियन के गैस थे, लाल कलर के जो सिलेंडर थे जो उपयोग घरों में अधिकतर किए जाते हैं, उनमें आग लगी हुई थी। हमारे शहर की शानदार जनता और युवाओं के सहयोग से इस आग पर काबू पाया। बहुत बड़ी घटना जो शहर में घटित होने वाली थी, जिससे भारी जनहानि हो सकती थी। जब गैस सिलेंडर वाला एक फायर ब्रिगेड को बोल लगाया था क्या? लगाया था, समय पर नहीं आई। लेकिन यहाँ पे मौजूद जो अग्निरोधक जो सिलेंडर है गैस के, उनसे जो है अग्नि को काबू में किया है। और मैंने स्वयं आप देख सकते हैं ये आग को बुझाया, और हमारे भाइयों ने बुझाया, सुनील शर्मा जी आदमी, हमारे खान साहब, सारे लोग हमारी सहयोग। कितना गैर जिम्मेदाराना है विद्युत विभाग, बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के चालू लाइन में ही काम करवा रहा है। हम बात करें हनुमान कॉलोनी में बदले जाने वाले मीटरों की। इन मीटरों को बदलकर यहां नई मीटर लगाए जा रहे हैं। वहीं इस काम को करने के लिए कोई भी प्रशिक्षित लेबर नहीं थी और बच्चे या यूं कहे नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था। साफ देखने में आ रहा था कि कोई भी बच्चा जो काम कर रहा है वह बालिग नहीं है। इसके बावजूद भी कैमरों के आगे तीनों बच्चों ने अपने आप को बालिग बताया, लेकिन वह अपने उम्र की तारीख नहीं बता पाए और ना ही ऐसा कोई सबूत दिया जिससे यह पता चल सके कि बच्चे बालिग हैं या नाबालिग। वहीं जब इस बारे में हमने IPDS के नोडल अधिकारी पंकज यादव से बात करना चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। वहीं पूरी बात का श्रेय भोपाल ऑफिस को दे दिया। जब इस मामले में हमने महाप्रबंधक SP शर्मा से मिले तो उन्होंने बताया कि ये काम IPDS के अंतर्गत किया जा रहा है और इसके लिए प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन ही काम करेंगे। रही बात हनुमान कॉलोनी में कराए जा रहे काम की, तो वहां दिखाकर उस पर तुरंत कार्रवाई भी करेंगे। समझ से परे है कि क्यों विद्युत वितरण कंपनी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के नाबालिग बच्चों से काम करा रही है। यदि कोई दुर्घटना घट है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? चल रहा है ये मीटर बदलना। किसके उससे बदल रहे हैं? खाली IPDS। अच्छा, क्या नाम है आपका? सौरभ। क्या उम्र है आपकी? 18। 18 साल के लग तो नहीं रहे हो। आधार कार्ड देख लेना आप। 18 के कब हो गए? 2001 का जन्म है। 18 के कब हुए आप? अभी ये 5 महीने। कब से काम कर रहे हो लाइट का? ये 2-4 महीने काम के। कहाँ रहते हो? कितने टाइम से काम कर रहे हो ये मीटर बदलने का? 1-1.5 साल हुए मेरे लाइन में काम कर रहे हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 18.5। डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा? मतलब जन्म तिथि क्या है? 2001 की। तारीख बताओ। तारीख तो नहीं याद। तुम्हें तुम्हारी जन्म तिथि नहीं याद? कोई है ऐसा प्रूफ जिससे बता सको तुम्हारी उम्र क्या है? आधार कार्ड है मेरे पास। है? दिखाओगे? जेब में तो नहीं है, रखते हैं घर पे रखा है। अच्छा, कौन करवा रहा है तुमसे ये काम? ठेकेदार कौन है यहाँ का? शोर से बताओ पूरा नाम। टीपू सुल्तान। कहाँ रहते हैं ये? केंट। का उपयोग हो रहा है और इस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है अपने MPB की तरफ से। इसमें IPDS कंपनी काम कर रही है और यहाँ कहीं ऐसी दिक्कत है, नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं, तो मैं दिखवाता हूँ और MPB के हमारे जो भी अधिकारी होते हैं उनसे बोलता हूँ। वैसे इसमें एक PMC कंपनी रहती है, उससे मैं चर्चा करता हूँ, वो इसका सुपरविजन करती है, वो अगर कहीं ऐसी त्रुटि पाई जाती तो उसे दुरुस्त करवाते हैं। क्या कार्रवाई होगी अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है, कोई बच्चे से काम कराता हो आपका? उसको तत्काल हटवाने के निर्देश दिए जाएंगे और भविष्य में उसको वार्निंग दी जाएगी कि ये पुनरावृत्ति ना हो इस तरीके की, कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसके लिए वो पूर्णतः जवाबदार है, वैसे भी कानून है। एक
बार फिर महाकाल नर्सिंग होम विवादों में घिर गया। जब सुबह पता चला कि प्रसूता को छुट्टी नहीं दी जा रही और छुट्टी देने के एवज में उससे मांगे जा रहे हैं पैसे। इस मामले की पड़ताल करने जब हम पहुंचे तो पहले मामला समझ में नहीं आया, लेकिन जब परिजनों से बात की तो उन्होंने जो बातें बताई उससे पूरा मामला हमारी समझ में आ गया। परिजनों के मुताबिक उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा के दौरान शासकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां उसका इलाज करने के लिए मना करने पर उसे महाकाल नर्सिंग होम ले जाया गया। नर्सिंग होम में पहुंचकर प्रसूता के पति मीनू कुशवाहा ने खर्च की बात पूछी, जिस पर उसे बताया गया कि 16,000 लिए जाएंगे और प्रसव करा दिया जाएगा। वहीं एक कागज पर भी साइन कराए गए जिस पर लिखा था कि यदि बच्चे की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन नहीं होगा, जिस पर प्रसूता के पति ने हस्ताक्षर भी कर दिए। वहीं प्रसूता की तबीयत में कोई सुधार न आने के चलते, उसको बार बार बीपी बढ़ जाने के चलते परिजनों ने प्रसूता को कहीं और दिखाने की बात की, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से और पैसों की मांग की। पैसे न देने की सूरत में महिला को अस्पताल से नहीं ले जाने दिया जा रहा था। वहीं अस्पताल कर्मचारी लगातार परिजनों पर हंगामा न करने का दबाव भी बना रहे थे, जिस पर हमारे सहयोगी ने जब अस्पताल कर्मी से उसका नाम पूछा तो उसने बड़े ही बदतमीजी से इसका जवाब दिया एवं अपना नाम भी नहीं बताया। वहीं जब उससे इस मामले में जानकारी लेना चाहिए तो इस पर वह चला गया और उल फजूल बातें भी करने लगा। समझ से परे है कि हमेशा केवल एक ही नर्सिंग होम क्यों विवादों में घिरा रहता है। ऑपरेशन होगा 16,000 रुपए लगेंगे, मैंने कि 16,000 ऑपरेशन से होगा 16,000 देंगे मेरे को, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। आप बोल रहे हैं खून के कोई बात नहीं हुई। भैया आपका क्या नाम है? किसका? आपका क्यों नाम से क्या करना? आप इस नर्सिंग होम में कौन से पद पर हैं? रिसेप्शन पे हूँ। कौन रिसेप्शन पे हो? क्या मामला है इनका ये बताएंगे आप थोड़ा? बताओ आपको उनसे पूछो ना मामला। उन्होंने डिलीवरी करवाई था क्या? मैं मेरी पत्नी को लेकर आया हूँ क्या मामले में? चलो ठीक सर, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर नहीं कर दी थी, ब्लड ने कर रहा था थोड़ा, हम यहाँ पे ले आए। इनने बोली कि ऑपरेशन से बच्चा होगा तो इनने बोली कि 16,000 रुपये के अलावा खर्चा आएगा। मैंने कि हम 16,000 रुपये देंगे बस, ये बात थी ठीक है। उसमें बच्चे की कहीं बचने की कोई उम्मीद नहीं, मैंने कोई टेंशन नहीं है। इन्हें साइन भी कराए थे एक पर्चे पे, हमने कर दिए थे। अब इसके बाद हम जैसे यहाँ पे कोई आराम पड़ता नहीं हुआ है, बीपी हाई हो रहा है, आराम पड़ता हुआ नहीं दिखा रहे, हम छुट्टी करा रहे हैं जी, बोल रहे हैं 5-10,000 रुपये डिलीवरी के दो, 1500 रुपये उसके दो, गोली दवाई की हमने दे दी है सब। बाथरूम कोई आराम नहीं है, मतलब कोई आराम कल से। और डीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।